तो ये हम आ चुके हैं पानीपत के थर्मलों के पास, थर्मल आ चुके हैं। पानीपत में एंटर करने वाले हैं हम। तो दोस्तों ये गांव है उतला, इसका भी है बता देना। और ये मंदिर, कम से कम मैं इस मंदिर को बनते हुए देख रही हूँ 8 सालों से। उटला गांव है, यहाँ पे हमारी बुआ जी रहती है। इस मंदिर को मैं 8-9 साल से बनता देख रही थी और ये पूरा हो चुका है। बजरंग बली, जय श्री राम, जय शंकर के ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय शेरा वाली माता। देखियो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है मंदिर। और ये जय बाबा बालकनाथ की, और ये जो काला पत्थर होता है ये हमारे शनि महाराज होते हैं। जय बाबा की, देखिए आ नहीं रहा है। बहुत बड़ा मंदिर है तो ज़्यादा टाइम नहीं है फ्रेंड्स। देखो चींचियाँ उड़ रही है, कितनी अच्छी लग रही है। तो ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ। जय बाबा बालक नाथ आश्रम भी है ये। तो बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा। देखो कुत्ता लेटा हुआ है। जय बाबा बालक नाथ। तो दोस्तों हम कर चुके हैं पानीपत थर्मल पावर स्टेशन में एंटर। पानीपत थर्मल में पहुंच चुके हैं। ये बोर्ड लग रहा है, साफ नहीं दिख रहा, गाड़ी से दिखता ही नहीं है। एक और नहर देखी, छोटी लग रही है, थर्मल जा चुके हैं। सीमेंट वही, देखो सारे ट्रक खड़े हुए यहाँ पे, ये ढोते हैं इनको इधर से उधर। देखो कितने ट्रक है अंदर इसके अंदर। नमन बैठा है और रुद्दी जग चुका है अपना। और मंदिर जो ऊंचाइयां में, इनको जब भी पानी बताते जाते देखते बहुत बहुत अच्छी लग रही है, पहाड़ जैसी है। देखो पहाड़ जैसी लग रही है, पेड़ों के पीछे छिप गई है। ये जी जी एस एस
GGS पब्लिक स्कूल। GGS पब्लिक स्कूल है। मोती बाग, पता नहीं मुझे क्या मोती बाग। मिलन गार्डन, जय हनुमान बाबा। ग्राम पंचायत सोदापुर आ चुका है। ज्यादा बचपन में एसटी मारियास कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये। एक छोटी सी कोशिश है हरियाणा, लेकिन तो दोस्तों प्लीज मेरा साथ दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कैसा लगा। तो दोस्तों देखिए ये नदी है यहाँ पे, ये बच्चे खेल रहे हैं। ये नदी है यहाँ पे और ये मंदिर है अपना शिव जी भोले का। ये हनुमान मंदिर है। एक ही मंदिर है ये, कैमरे में आ नहीं रहा है पूरा। पानीपत है हमारे, नहर के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे कि ये मंदिर है सामने है और ये देखिए ये मस्जिद है। देखिए तो धर्म को मैं नहीं मानती, क्योंकि सब धर्म एक जैसे ही है, चाहे भगवान हो चाहे अल्लाह हो, सब चीज़ एक ही है, बस रूप अलग अलग है इनके, एक ही है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। एक और नहर आ चुकी है अपनी, एक नहर वहाँ पे थी, बीच में मंदिर थे। एक नहर वो थी, एक नहर ये पानी का रिफाइनरी। हम कर चुके हैं एंटर पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर नहीं, पानीपत रिफाइनरी है शायद।
पुलिस वाले ने चलान कर दिया, उनका हाथ जोड़ रहे थे लेकिन ये नहीं जोड़ रहे, भाई रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। कुत्ते को भगा रहे हैं भैया, हम आ चुके हैं पानीपत बस स्टैंड पे। इस गली में